श्योपुर नगर के पटेल चौक पर ग्राम सुंडी के ग्रामवासी ग्राम स्थापना को लेकर मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। यहां आपको बता दें कि सुंडी गांव चंबल और पार्वती के बीच एक टापू पर बसा हुआ है, जहां अब भी बारिश का मौसम आता है सुंडी गांव का संपर्क जिले से टूट जाता है। वहीं विगत दो वर्षों से अतिवृष्टि के चलते आ रही बाढ़ के चलते सुंडी गांव के ग्रामीणों का जीना दुभर हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए शासन और प्रशासन के साथ ग्रामीणों द्वारा भी ग्राम विस्थापन किए जाने पर सहमति प्रदान की गई, जिसके बाद सुंडी के ग्रामीणों को विस्थापन किए जाने को लेकर शासन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने सुंडी के ग्रामीणों को विस्थापित किए जाने को लेकर चक बमूनलिया के पास भूमि आवंटन को लेकर शासन को प्रस्ताव भी भेजा है, मगर बताया जा रहा है कि प्रस्तावित भूमि आवंटन पर अड़चनों के चलते ग्रामीणों को विस्थापन किए जाने में लेट लतीफी बरती जा रही है। ये सब कारण है जिसके चलते सुंडी के ग्रामीणों द्वारा ग्राम विस्थापित किए जाने को लेकर श्योपुर नगर के पटेल चौक पर अनिश्चितकाल के लिए धरना दिया जा रहा है, जहाँ धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी मांग स्वीकृत नहीं की जाती तब तक हम अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे रहेंगे। अब देखना ये होगा कि ग्राम विस्थापन को लेकर बैठे ग्रामीणों की मांग शासन प्रशासन द्वारा कब तक पूरी की जाती है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। अनिल सिंह जी, आप किसान नेता हैं और किसानों का हमेशा समर्थन करते हैं, और देखा जा रहा है कि यहाँ सोडी गाँव के जो निवासी अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो आप भी यहाँ उपस्थित हुए इनके समर्थन में, क्या कहना चाहेंगे इनकी मांग को लेकर? सूडी गांव के जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, इनकी जायज़ मांग है। प्रतिवर्ष बाढ़ से ग्रसित होते हैं, तमाम तरह का इनको आर्थिक नुकसान होता है, पशुओं का नुकसान होता है, जनधन की आने की संभावना हर साल बनी रहती है और नुकसान होता भी है। पीछे जो है जो भी संबंधित क्षेत्र में जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे सांसद नरेंद्र तोमर जी हों या यहाँ के और स्थानीय सत्ता पार्टी के नेता, सभी ने आश्वासन दिया कि हम इनको विस्थापित कर देंगे। ग्रामवासी तैयार नहीं है विस्थापन को, ऐसी बात अभी पीछे जो है जब बाढ़ आई थी तो ये पब्लिक हुई थी, लेकिन गांव वाले जो आज हमें जानकारी मिली है ये पहले भी तैयार थे और अभी भी तैयार हैं। और इन्होंने एक अपनी मांग दी है, चक बमूलिया के पास कोई रकबा है वहाँ ये विस्थापित होना चाहते हैं। तो हमारे जो जिलाधीश महोदय हैं, राजस्व के प्रमुख हैं यहाँ, उन्होंने इनके फेवर में अनुशंसा भी की हुई है उस जगह की, उनके पत्र हैं बराबर। अभी यहाँ ये चर्चा है कि वो ज़मीन को, क्योंकि वहाँ से रेलवे लाइन निकली हुई है, कुछ न कुछ भविष्य के दृष्टिगत वो कीमती अपने फेवर में कुछ नेता तो क्या है, भूमाफिया सक्रिय हैं, उनकी निगाह उस पर है, ये ग्रामीणों का भी कहना है, और इस कारण से कहीं ना कहीं उसमें अड़चन डाली जा रही है। कलेक्टर साहब ने इनको बहुत अच्छा आश्वासन दिया था, उससे संतुष्ट भी थे कि इनको जगह मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद में जो है वो रवैया थोड़ा ढीला नज़र आ रहा है। तो जितने भी किसान संगठन यहाँ क्षेत्र में काम करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, इन प्रभावित बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ में सुंडी गांव के या कोई भी किसानों की जो समस्या है किसी भी तरह की, उनमें हम हमेशा साथ हैं। तो आज इनके धरने में हम इनको समर्थन देने के लिए आए हैं। अगर इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो धरना यहां से तभी उठेगा जब उसकी एक ठोस कार्रवाई जो होनी चाहिए वो जब नहीं होगी तो धरना उठना भी नहीं चाहिए। अभी जब इतने बार से परेशान है और धरना लगाया है तो उसका एक जो है मतलब कहना चाहिए कि उसका एक ठोस प्रारूप सामने आए तभी ये धरना हटना चाहिए, और हमारा निरंतर इनको सहयोग रहेगा। जनपद सदस्य हैं और यहाँ सुंडी गांव के जो ग्रामीण बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, इनको समर्थन देने आए, क्या कहना चाहेंगे आप इनकी मांगों को लेकर? भाई साहब, बाढ़ पीड़ित ये जो यहाँ धरना है अनिश्चितकालीन है और हम इनके साथ हैं जी जान से, और जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं गुर्जर समाज को, बड़े बड़े हमारे नेता भी कहते हैं कि गुर्जर समाज हमारी भाजपा की एक रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज केवल ओनली गुर्जर समाज का ये गाँव है जो दो साल से बार बार बाढ़ में घर्षित होकर के और बेघर हो जाते हैं। प्रशासन भी कई दिनों तक वहाँ रहता है और अपनी आंखों से इनका नज़ारा देखता है, तो रोजमर्रा की जिंदगी से उभर करके इन लोगों ने जो ये बात रखी मांग सरकार के सामने, और बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा के हैं जिन्हें हम सर्वे सर्वा मानते हैं, उन सभी ने हमें आश्वासन दिया है। मैं भी भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज मैं अपनी ये विडम्बना और ये पीड़ा सरकार के सामने रखता हूँ कि किसी भी परिस्थितियों में जो इनको आश्वासन दिया गया है कि हम आपको चक बमूलिया में स्थापित करेंगे, लेकिन ये मामला अभी तक ढीला है, केवल मात्र आश्वासन नजर आ रहा है। तो मैं उन शीर्ष नेतृत्व से यही निवेदन करूंगा कि इनको चक बमूलिया में जगह देकर के स्थापित करें, तभी हमें ये महसूस होगा कि वास्तव में आप हमें आपका अंग मानते हैं, नहीं तो ये जो धरना है ये चलता रहेगा, ये तभी बंद होगा जब हमारा कोई निष्कर्ष और निर्णय निकलेगा।
ग्राम सुंडी के निवासी धरने पर बैठे हुए हैं और आप इनको समर्थन देने आए हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप और किस प्रकार से इन लोगों की समस्या का समाधान किया जाए? समस्या क्या है, सरकार विस्थापितों के बारे में बार बार कहती आई कि हमने विस्थापित के लिए फलानी जगह दे दी, फलानी जगह दे दी। सुंडी गाँव की विगत 25 सालों से हम देख रहे हैं कि ये स्थिति है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल वो गाँव पूरी तरह प्रभावित होता है। गाँव के व्यक्ति 25 साल से एक स्थान मांग रहे हैं जिसके पर वो जाके बस सके। और विडम्बना की बात है, सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है, एक छोटे से गांव को विस्थापित करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। और जगह जो दे रहे हैं ऐसी जगह दे रहे हैं जहाँ पहले से वहाँ किसान निवासरत है। सरकार की मंशा है कि किसान से किसान लड़े। अगर वो जगह पर ये सुंडी के गाँव के किसान जाते हैं तो वो किसान भी तो बेघर होंगे, उनको भी तो जगह चाहिए। इसलिए सुंडी गांव के लोगों ने एक जगह चयनित की थी कि ये जगह हमको दे दी जा। अब जगह देने की बात आई तो प्रशासन ने पत्र लिख के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, उन्होंने फॉरेस्ट को भेज दिया, कह दिया कि तो फॉरेस्ट की जगह। भाई फॉरेस्ट भी शासन के अधीनस्थ ही आता है। अगर राज्य शासन की मंशा है विस्थापित करना चाहती है क्षेत्र के किसानों को, तो उस जगह को अलर्ट करने में शासन को क्या जा रहा है? शासन को इनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। अगर शासन इनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुनता तो क्षेत्र का किसान इनके साथ पूरे से कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और ये धरना आंदोलन आगे ऐसे ही चलता रहेगा अगर शासन जब तक बात नहीं मानेगा। जब कब से आप धरने पे बैठे हैं और किन मांगों को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं? 16 तारीख से बैठे हैं, सुंडी गाँव है, बाढ़ के टाइम पे चारों तरफ से गिर जाता है, दोनों साइडों से नदी के बीच में है। अब इनको पिछले साल भी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था, केंद्रीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि आपको जल्दी विस्थापित किया जाएगा, पर वो प्रक्रिया अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, कुछ नहीं हो रहा। इनको जल्दी से न्याय मिले, इधर विस्थापित किया जाए। इस वर्ष किन किन लोगों ने आपको, किन किन राजनेताओं ने, सरकार ने क्या आश्वासन दिया था इस वर्ष आपको? उस टाइम पर बाढ़ के बाद में ये अपने केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी और राज्य शासन के मंत्री जी जलालपुर चौकी पे आए थे, उसके बाद में नरेंद्र सिंह तोमर जी भी आए थे। उन्होंने कहा था कि आपका जल्दी से काम हो जाएगा, पर वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब कब तक आप धरने पर रहेंगे? जब तक इनको शासन की तरफ से आश्वासन नहीं मिले अच्छी तरह से कि आपका काम, आपका विस्थापन का कार्य पूर्ण होने को है, तब तक धरना रहेगा। आश्वासन तो सरकार पिछले वर्ष से देते आ रही है और इस वर्ष भी सरकार ने आपको आश्वासन दिया था, और फिर आप आश्वासन की बात कर रहे हैं कि अगर आज सरकार आश्वासन देगी तो आप धरना तोड़ देंगे? वो लिखित में काम होगा इनका विस्थापन का, जब ही देंगे, ऐसे कहने से कुछ नहीं। मतलब आपका कहने का ये है कि जब तक विस्थापित नहीं किया जाता तब तक आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहे हैं। पार्टी से आप जिलाध्यक्ष किसानों के लिए समर्थन देने को पहुंचे हैं, जहां सुंडी के किसान धरने पर अपनी मांग को लेकर बैठे हुए, क्या कहना चाहते हैं आप और किस प्रकार से इन लोगों की मांग को स्वीकृत करे सरकार, क्या आपका कहना है? सुंडी गांव की समस्या हर वर्ष की समस्या है और 2-3 वर्ष में जिस तरह से पानी आया है श्योपुर जिले के अंदर, सुंडी गांव के अंदर, इस तरह से जो सुंडी गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। अगर नेताओं का काम होता है तो कोई भी काम हो नेताओं का तुरंत हो जाता है, जनता को पता भी नहीं चलता। लेकिन आज समस्या ग्रामीणों की है, मुख्यमंत्री अपना वादा कर चुके हैं कि भाई हम इस गांव को विस्थापित करेंगे, लेकिन आज तक इस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इनको जो भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, 15 महीना कांग्रेस की सरकार रही है, ना तो कांग्रेस ने इनके लिए विचार किया है और भाजपा की सरकार काफ़ी लंबे समय से है, ना भाजपा की सरकार ने इनके लिए विस्थापना की व्यवस्था की है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि तत्काल इन लोगों के विस्थापना की व्यवस्था की जाए और इसके लिए हम गांव के साथ में हैं